हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल हब में। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक पैनासोनिक की LCD है और यहाँ पे जो ये प्रॉब्लम है, इसमें जो इसकी पोलराइज़र है वो हमारी यहाँ पे ख़राब है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने जो इसकी पोलराइज़र है इसको मैं उतार रहा हूँ। ये देख सकते हैं इसकी पुरानी पोलराइज़र है और ये पोलराइज़र जो लगी थी इसमें हमारी स्क्रीन कुछ इस तरीके की दिखने लगती है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे को देख सकते हैं, ये इस तरीके की स्क्रीन दिखने लगती है और यहाँ पे जो हमारे चित्र है, जिसे हम कह सकते हैं ग्राफिक है, वो हमारा कुछ क्लियर नहीं दिखता। तो उस कंडीशन में पहले हमने इसकी ये वाली पन्नी उतारी और फिर ये साथ में उतरी है। अब ये बाकी हम इसमें जो लेमिनेशन टाइप का लगा हुआ होता है उसको हम निकालते हैं। उसको निकालने के लिए हमने यहाँ पर सिंपली करना क्या होता है, ऐसी एक ब्लेड लेनी होती है और ये इस तरीके से हमने निकालना होता है। ये इस तरीके से हम इसको निकालेंगे यहाँ पर, ये देख सकते हैं। धीरे धीरे करके पूरा का पूरा हमने इसे क्लीन करना है और उसके बाद हम इसको किसी पेट्रोल वेट्रोल से वॉश करेंगे, जो भी है आपके पास वॉश करने वाला उससे हम वॉश करेंगे और उसके बाद इसमें हम पोलराइज़र को चढ़ाएंगे। पोलराइज़र हमारा काम क्या करता है कि ग्राफिक को यहाँ पे वो दिखाने का काम करता है। अगर मैं अभी इसको ऑन करता हूँ तो मेरी सिर्फ वाइट डिस्प्ले दिखेगी। इसमें ग्राफिक बन रहा है लेकिन डिस्प्ले वाइट की प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी, लेकिन जैसे ही हम इसमें पोलराइज़र चढ़ाएंगे तो वो क्या करेगा, ग्राफिक बनाएगा और हमें दिखाएगा। तो बाकी इसको क्लीन कर लेता हूँ मैं और हो सकेगी तो मैं वीडियो बनाऊँगा आगे की भी, वरना इतनी सी वीडियो मैंने सोचा कि बना दूँ आपके लिए जानकारी वाली हो सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।